नमस्कार, सेल गुरु में आपका स्वागत है। आवर फर्स्ट शो ऑफ 2023। अब सेल गुरु जो है इस साल कंप्लीटली ड्रामेटिकली बदल जाएगा। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको इस शो पे दूंगा। आज शुरू करेंगे विद द आईक्यू 11। ये पहला फोन है टू लॉन्च इन इंडिया विद द स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, यानी कि दिस बिकम्स द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फोन। ये जो है गेमिंग फोन है, परफॉर्मेंस फोन है, फोटोग्राफी फोन है। इसमें 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है, 8GB 16GB की वेरियंट्स है। ये वाला कलर कम्स विद द BMW स्ट्राइप्स। प्राइस जो है इज अबाउट 59,999। लॉट ऑफ पीपल से इट्स वेरी एक्सपेंसिव, बट रिमेंबर दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फोन। लॉट्स ऑफ अदर ग्रेट फीचर्स ऑल्सो, बट वील रिव्यू इट एंड टेल यू इफ इट्स वर्थ इट। फिर चलेंगे टुवर्ड्स द क्वालकॉम सेगमेंट। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मोबाइल पाठशाला। डिजिटल लिटरेसी जो है फॉर सीनियर सिटीजन, आप क्या सोचते हैं, व्हाट शुड इट बी? मेनली इट शुड बी अबाउट हाउ दे शुड बी एबल टू यूज द स्मार्टफोन, उसकी जो पूरी पावर है। अ लॉट ऑफ पीपल गेट वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। वी हैव पीपल दैट आर एक्चुअली टीचिंग वुमेन एंड सीनियर सिटीजंस हाउ टू बिकम स्मार्टफोन एक्सपर्ट्स। शुरू करते हैं आज का शो। चलते हैं टुवर्ड्स आवर वेरी फेमस क्वालकॉम सेगमेंट, और आज बात करेंगे अबाउट मोबाइल पाठशाला। सोचिए ऑल द सीनियर सिटीजंस इन योर लाइफ, क्या होती है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रगल विद द स्मार्टफोन टू यूज़ द फीचर्स। उनके लिए स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। दे आर यूजली स्ट्रगलिंग विद इवन सिंपल टास्क। लेकिन हम लोग सब कुछ करते नहीं ना इसके बारे, लेकिन देर आर पीपल हु आर डूइंग इट, टीचिंग देम द बेसिक्स ऑफ हाउ टू यूज़ द स्मार्टफोन, और इवेंचुअली उनको बना रहे हैं स्मार्टफोन एक्सपर्ट्स। दे आर हेल्पिंग वुमेन एंड सीनियर सिटीजंस बी इंडिपेंडेंट एंड वेरी कॉन्फिडेंट। टेक अ लुक। पिछले कई सालों में हम लोग ने देखा है कि क्या एडवांसमेंट हुई है डिजिटल पेनिट्रेशन में और हमारे इम्पैक्ट में। मतलब आज बिना टेक्नोलॉजी के मोस्ट ऑफ अस कैनॉट सर्वाइव 10 मिनट्स। आपको पता है, एक रिपोर्ट ने हमको बताया कि इंडिया में 1 बिलियन स्मार्टफोन यूजर्स होंगे 2026 में, और उसमें से 200 मिलियन होंगे सीनियर सिटीजन्स। कमाल की बात है ना। टेक्नोलॉजी इतनी जरूरी हो गई है कि वेदर इट्स किड्स और एडल्ट्स, एवरीवन नाउ हैज टू यूज देयर स्मार्टफोन्स। पैंडेमिक ने इस चीज को और अंडरलाइन किया। लेकिन आपको पता है, नॉट एवरीवन इज टेक्नोलॉजिकली सैवी। आप जिस तरीके से स्मार्टफोन यूज करते हैं, मे बी सीनियर सिटीजन्स के नॉट। कुछ लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है, कन्फ्यूजिंग होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत डॉन्टिंग होता है टू यूज अ स्मार्टफोन। उनके लिए नेविगेट करना, जितने ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट। थोड़ी उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, दे रियली रियली स्ट्रगल। सो ऑब्वियसली उनके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है टू इवन मेक अ वीडियो कॉल या बैंक ट्रांजैक्शन या व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना, ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन। इसी वजह से वो स्मार्टफोन से काफी डर के रहते हैं। नीलम और पिंकी ने भी यही देखा अपने पेरेंट्स के साथ। उन्होंने देखा कि उनके पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे वाइल यूजिंग देयर स्मार्टफोन्स, और उन्होंने सोचा कि हमारे पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी होंगे जिनके भी यही सेम स्ट्रगल होगी। उन्होंने डिसाइड किया दैट दे विल हेल्प एम्पावर द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। पिंकी और नीलम ने शुरू किया मोबाइल पाठशाला। उनका एक ही इंटेंशन था कि हम लोग एम्पावर करेंगे सीनियर सिटीजन्स को टू मेक देम टेक्नोलॉजिकली सैवी। उनका मोटो एट द पाठशाला इज कि लर्निंग में कोई एज बैरियर नहीं होना चाहिए, एवरीबडी कैन लर्न, एवरीबडी कैन अपग्रेड देमसेल्व्स। ये दोनों बहुत सक्सेसफुल हैं। उन्होंने देखा है कि लिटिल बिट ऑफ लेसन्स, लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग, और बहुत सारे लोग जो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, दे आर एबल टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन नाउ। एल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंस मिल रही है, विच दे वर लुकिंग फॉर। हम मिले पिंकी और नीलम से टू नो मोर अबाउट मोबाइल पाठशाला। ये इस पाठशाला की सबसे बेहतरीन विद्यार्थी हैं। ये 80 साल की हैं और हर भारतीय की तरह क्रिकेट प्रेमी हैं। इस उम्र में क्रिकेट के बेहतरीन पलों का लुत्फ उठा पाना इनके लिए संभव नहीं होता। वापस से निकालो, ये देखते हैं कौन कौन जीता, पूरा क्रिकेट का आप देख सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इन्होंने फोन पर अपने पसंदीदा खेल को देखना सीख लिया है। अब विराट कोहली जब भी मैदान में उतरता है, उसे इनकी दुआओं की जरूरत पड़ती है। 26 क्या, कौन बनाया, कौन बनाया? विराट कोहली। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, विराट कोहली। इनके सुनने की शक्ति भले ही कम हो गई हो, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका जोश और उत्साह कभी कम नहीं हुआ। YouTube देखते हैं, और कोई से बात करना होता है तो कर लेते हैं सुबह उठते ही पहले, और
क्रिकेट का देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, गाड़ी में जाते हुए भी क्रिकेट देख लेते हैं। सिर्फ शकुंतला मोहता नहीं, मोबाइल पाठशाला और भी कई लोगों की जिंदगी में मोबाइल चलाना सिखाकर बदलाव ला रही है और अपने सपने पूरा करने का हौसला दे रही है। वीडियो बनाने और एडिट करना सीखने के साथ साथ शॉपिंग एप्स का इस्तेमाल करना, पेमेंट करने जैसी सुविधाओं ने मोबाइल फोन के जरिए इन महिलाओं को ऐसी आजादी दी है जिसकी इन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। इन महिलाओं में से कई लोग सीनियर सिटीजन हैं। पहले ये हर छोटी छोटी चीज के लिए पति और बच्चों पर निर्भर रहती थीं। अब ये आसानी से अपने दम पर चीजों को मैनेज करती हैं। इससे इनकी जिंदगी काफी आसान और उत्साह से भर गई है। एक्चुअल में मोबाइल मेरे को आजकल मनुष्य मात्र का बेस्ट फ्रेंड लगता है। इसके अलावा मैं इसे वन स्टॉप सॉल्यूशन कह सकती हूँ, इसे मैं ज्ञान का सागर कह सकती हूँ, एंटरटेनमेंट का खजाना कह सकती हूँ, कोई भी अपनी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इससे काफी बढ़ा सकता है। सिक्योरिटी अहम पहलुओं में से एक है जिसे मोबाइल पाठशाला के दौरान सिखाया जाता है। सदस्यों का कहना है कि इसने उन्हें साइबर क्राइम से बचाने में मदद की है। साइबर क्राइम के मामले भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ देम एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं बाहर घूमने गई हुई थी, उदयपुर में थी, और वहाँ पे एक फोन आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम एक OTP आया है, वो भी पेटीएम पे। एंड यूजली ऐसा होता नहीं है कि कोई फोन आए वो भी पेटीएम पे। तो मुझे सडन एक मिनट के लिए तो मैंने सोचा, बट देन इट जस्ट क्लिक माई माइंड कि नहीं, ये एक फ्रॉड कॉल हो सकता है, क्योंकि इन दिनों बहुत साइबर क्राइम्स के बारे में हम सुन भी रहे हैं, पेपर में पढ़ भी रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने हम लोग को कुछ दिन पहले क्लास की थी और उसमें बताया था, तो डैट रियली हेल्प मी, बिकॉज 5,000 रुपीज मैंने एक दिन पहले ही डाला था, और अगर मैं OTP दे देती उस समय तो वो मेरा अकाउंट खाली कर देता। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स मी। जहां एक तरफ सिक्योरिटी और इंटरनेट पर सुरक्षित रहना पाठशाला का अहम हिस्सा है, वहीं दूसरी ओर सीनियर सिटीजन घर में रह रही महिलाएं जो अपने पति और बच्चों पर निर्भर रहें, बिना किसी परेशानी के अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनकी आजादी सुनिश्चित करना भी इसका अहम भाग है। मोबाइल पाठशाला के पीछे दो महिलाओं का योगदान है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक की तरक्की देखकर बहुत खुशी मिलती है। उन्होंने लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। नीलम और पिंकी को आसान ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को सशक्त करने में बहुत खुशी मिलती है। तो मोबाइल पाठशाला बिलीव्स दैट लर्निंग हैज नो एज, वन मस्ट कीप लर्निंग एंड कीप अपग्रेडिंग देमसेल्फ। सो दैट इज हाउ सो वी टीच ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट, फ्रॉम जनरली इट इज 40 प्लस ओनली, इट देर आर ब्यूटिशियन, देर आर होम मेकर्स, देर आर टीचर्स, देर आर न्यूट्रिशनिस्ट, बिजनेस मैन हु वॉन्ट टू प्रोमोट देयर बिजनेस ऑनलाइन, सो ऑल काइंड ऑफ पीपल। और हमारी क्लासेस को हम दो फॉर्म में डिवाइड करके रखे हैं। एक होता है नो योर फोन बेसिक्स, वहाँ जैसे अभी एकदम नोविश है क्लास 50 प्लस, जिनको एप्स को अपडेट करना, डाउनलोड करना भी नहीं आता है, इतना सिंपल सा इतना प्रॉब्लम हो रहा है, स्क्रीनशॉट करना नहीं आता है, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लेते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ में ग्रुप में वीडियो कॉल करना सिखा देते हैं, ऐसे उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट आ गया, एंटरटेनमेंट आता है साथ में। तो सी आर सो हैप्पी नाउ, वी आवर लाइफ इज सेल्फ डिपेंडेंट नाउ। इस मोबाइल के थ्रू हो तो रहा है, लेकिन और भी कुछ है तो हमको सिखाइए। पिंकी ने बताया कि जहां एक तरफ वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी के फायदे बताती हैं, वहीं दूसरी ओर वो सदस्यों को फोन पर हद से ज्यादा निर्भर होने के नुकसान भी बताती हैं। नीलम ने बताया कि उनके पास 2019 के बाद से इमरजेंसी के समय मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़ी कई कहानियां हैं। इनकी मदद से उन्होंने सदस्यों की जरूरत के हिसाब से पाठ तैयार किए। 1995 में इस देश का सबसे पहला मोबाइल फोन कॉल, उसके बाद भारत में स्मार्टफोन का रेवोल्यूशन। इस देश में मोबाइल फोन का इस्तेमाल तेज गति से बढ़े है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी है जो मोबाइल फोन यूज करने में डरते हैं,
या झिझकते हैं क्योंकि वो इंटरनेट लिटरेट नहीं है या मोबाइल फोन कैसे इस्तेमाल करें ये उनको ठीक तरीके से पता नहीं है। मोबाइल पाठशाला इसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लोगों को ये सिखा रहे हैं कि अपना मोबाइल फोन स्मार्टली कैसे इस्तेमाल किया जाता है और साथ में सुरक्षा पे भी ध्यान है। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। माई गॉड, वॉट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड वॉट अ ग्रेट इम्प्लीमेंटेशन। आप दोनों ने बहुत कमाल का काम किया है। वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग सीनियर सिटीजन्स टेक्नोलॉजिकली सैवी। अच्छा बताइए, कितना इंपॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन्स को टू बी एबल टू यूज द स्मार्टफोन, जैसे आज का जो युग है, जो हमारा काम है, जिस तरीके से हम लोग लाइफ लीड करते हैं, तो आपने कैसे डिसाइड किया टू स्टार्ट अ स्कूल फॉर सीनियर सिटीजन्स? सो वन डे आई वॉज सिटिंग विद माई पेरेंट्स and they were continuously asking me questions, how to download this app, how this feature works, how to, you know, save this into gallery or how to delete things from there. So I very patiently taught them all these things and slowly and gradually I kept teaching them lot of things, lot of features of phone. So the spark I could see in their eyes, the confidence which they were gaining day by day, I saw why not, this is a real need of the society, why not take it forward. We organized one seminar and it was a big hit and then there was no looking back. So we kept doing workshops and seminars for the 40 plus generation and we taught around 1500 plus people, students I can say, about how to use mobile application. Thank you both of you and congratulations once again. Aap bahut acha kaam kar rahe hain. Snapdragon aap log sabko aamantrit kar raha hai. All you Sale Guru fans, join kariye unki global community jiska naam hai Snapdragon Insiders. Yahan pe aapko access milega to the latest scoop on Snapdragon technology. Ek chance milega to connect with the experts behind the scenes. Premium experiences hain yahan pe, exclusive contests hain, bahut kuch aur hai. Dekhiye, main to Snapdragon Insider bahut time se bana hua hu, aap bhi ban sakte hain by simply following Snapdragon on their Twitter and Instagram account. Unke handles main yahan pe aapko de raha hu. Aapko ek bahut bada chance mil raha hai to also win a OnePlus smartphone. Participate kariye in the NDTV Snapdragon contest. Abhi ke abhi jaiye to ndtv.com/unleashyourdreams. Lete ek chota sa break on Sale Guru. When we come back, lots more happening. iQOO 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन है, ब्यूटीफुल लुकिंग, अमेजिंग इन डिजाइन परफॉर्मेंस, दिस इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फोन राइट नाउ। iQOO जो है टेकिंग ऑन प्रीमियम स्मार्टफोन्स बिकॉज की प्राइस जो है 59,999 है, 120 वॉट फास्ट चार्जिंग है। जैसे मैंने कहा iQOO हैज टेकन अ बिग लीप, लेकिन डू दे हैव अ विनर एट दिस प्राइस? आई थिंक दे एब्सोल्युटली डू, अनबिलीवेबल फोन। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैटेगरी में iQOO ने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। 2023 की शुरुआत iQOO ने जबरदस्त तरीके से की है। भारत का पहला स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 पावर्ड फोन मार्केट में आ चुका है और ये फोन है iQOO 11। पतला होने के साथ साथ ये फोन एक गेमिंग मशीन भी है। ये प्रीमियम सेगमेंट में धूम मचाने को तैयार है, लेकिन आज के दौर में लगभग हर फोन गेमिंग में आगे ही है। तो iQOO 11 में ऐसा क्या नया है, आइए पता लगाते हैं। फोन का डिस्प्ले बहुत ही शानदार है, 6.78 इंच के साथ 2K 144 हर्ट्ज और HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। फोन की पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है। मीडिया कंजम्पशन में फोन काफी आगे है और गेमिंग में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इन सब फीचर्स के बाद भी फोन गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स के प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ ही फोन में शानदार डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को एक कदम और आगे ले जाते हैं। अगर आप iQOO 11 में इंटरेस्टेड हैं, तो शायद इसकी सबसे बड़ी वजह नया स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 चिपसेट होगा। ये तेज है, पहले से बेहतर है और ये आपके सारे काम आसानी से निपटा देगा। फोन में 120 वॉट फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी दी गई है जो इसकी 5000 mAh की बैटरी को सिर्फ 8 मिनट में पूरा चार्ज कर देती है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर और एक एडिशनल 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है।
हमें लगता है कि इस सेगमेंट के लिए थोड़ा कम है। पहले कैमरे की खूबियों की बात करते हैं। इमेजेस काफी शार्प आती हैं, उनमें एक नेचुरल टोन है और बहुत सारे मोड्स भी दिए गए हैं। लेकिन इसकी खास बात है लो लाइट प्रोसेसिंग। प्राइमरी कैमरा के मुकाबले टेलीफोटो सेंसर और अल्ट्रा वाइड कैमरा एक बड़ा डाउनग्रेड है। ली गई तस्वीरें सॉफ्ट साइड पर हैं और नॉइज लेवल्स बड़े हुए दिखते हैं। आप इस सेटअप के साथ कम रोशनी में तस्वीरें नहीं लेना चाहेंगे। 59,999 रुपए की कीमत में इसका 8GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट आता है और 64,999 रुपए में 16GB प्लस 256GB वाला वेरिएंट। IQ11 अपने शानदार स्पेक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस की वजह से अपने प्राइस को जस्टिफाई जरूर करता है। ये एक परफेक्ट ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस मिलना लाजमी है। गेमर्स के लिए ये फोन एक बीस्ट है। इसका लेटेस्ट प्रोसेसर और लिक्विड कूलिंग सिस्टम इसे एक लंबे समय के लिए परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन बनाता है। आप कई साल तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते का सेल गुरु शो। लेकिन याद रखें, सेल गुरु कम्प्लीटली इस साल में बदल जाएगा। क्या है वो चेंजेस, क्या आएगा नया, व्हाई विल सेल गुरु बिकम सेल गुरु 2.0, सब कुछ बताएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आई विल सी यू next week.